हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आई होप आप सबको मैसेज आ रहा होगा। हाय अरविंद, हाय शिल्पा, हाय लोकेश, हेलो टू ऑल। चलिए वेलकम टू द क्लास। आ जाओ सब लोग आ जाओ। हाय बेटा, भीड़ बढ़ाओ, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। आई होप सारे के सब दिख रहे हैं मुझे, राइट? जितने लोग भी आ गए जल्दी से हेलो भेज दो। लेट मी चेक माय कनेक्शन एज वेल। सो बेसिकली आज हमारी क्लास जो है बेटा वो किस पे है? हमारी क्लास जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। आज हम एक शॉट में केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। यस, आ गए सब लोग। हेलो लोकेश, हेलो अरविंद, हेलो शिल्पा, हेलो अवनी, हेलो अरविंद, हेलो निर्मला, हेलो जितेश, हेलो इमरान, हेलो निर्मला, हेलो वेस्टा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जल्दी तादाद बढ़ाओ भाई साहब। हेलो मेघा, आ जाओ, हेलो अंकी भाई, अब थोड़ा एडवर्टीजमेंट थोड़ी ना करना है ज़्यादा, आ जाओ, राइट? सो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, हमारा आज कौन सा क्लास है? ये अनअकैडमी का हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास है, राइट? तो आप लोग क्या हो पता ही है, तोड़ू फोड़ू बच्चे हो मेरे, तो तोड़ने फोड़ने के लिए क्या करना है, स्टडी करनी है। तो तोड़ू फोड़ू बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी मैम है तुम्हारी? गरिमा मैम, और आपको मेरे डिटेल्स दिख ही रही हैं। और किसी को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यू ऑल कैन यूज़ दिस कोड, रेफरल कोड CGV मैम कोड, ठीक है, एंड यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, तो जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी नए लोग हैं, हेलो दीपक, हेलो तान्या, ठीक है, यस तानिया यू आर न्यू, कम, हेलो समरा, ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं वेलकम टू द क्लास, इट्स योर फर्स्ट क्लास, आई एम अश्योरिंग यू कि आप बहुत अच्छे जाओगे, ये लेक्चर देखोगे तो बहुत खुश होकर जाने वाले हो। तो बेसिकली यू कैन जॉइन मी दिस टेलीग्राम चैनल, है ना, यू कैन जॉइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल @GVFAM। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है तो वो ऑलरेडी लिंक्ड है, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें स्टार्ट करनी है। हेलो लवलीन, हेलो प्रोमी, हेलो इंदुजा, हेलो सुनील, हेलो अंकी, मैं हूँ, हेलो रसूल, ठीक है, तुम्हारा भी फर्स्ट क्लास है, हाँ बिल्कुल अरविंद, जल्दी स्टार्ट करें, लेट्स वेट फॉर ऑल द पीपल टू जॉइन, ठीक है, हेलो टू एवरीवन, ठीक है, हेलो टू एवरीवन, ठीक है, आई एम गुड बेटा, आई एम गुड तानिया। तो आज हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक घंटे का सेशन है, 6 to 7, और हम लोग पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश कर देंगे, पूरा थ्योरीज की ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा वो आयनिक पर आएगा, ठीक है। तो तादाद बढ़ती जा रही है, हेलो राहुल, हेलो लीना, आ रही है जनता, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो बेटा तोड़ना है फोड़ना है, सर्दी में सब कुछ तोड़ना है, मतलब घर का बिस्तर विस्तर मत तोड़ देना, बेड वेड मत तोड़ देना भाई साहब, है ना, ये सब नहीं, तूफान नहीं मचाना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो मूवीज, हेलो अब्दुल्ला, चलो हाँ अब स्टार्ट करते हैं, अब नो टाइम पास, ठीक। तो हमारी बात होने वाली है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है ना, बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब तालमेल बैठा के चलना। इक्विलिब्रियम सीधी सी बात है, तालमेल बैठा के चलना, ना कहीं कुछ ज़्यादा होने देना, ना कहीं कुछ कम होने देना, राइट? जैसे आप सीधी सी बात करते अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अगर ज़्यादा मस्ती कर ली तो पढ़ाई पर इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो मस्ती पर, मतलब एक होता है ना कि एक अपनी एज पर मौज मस्ती कर लेनी चाहिए, तो दोनों चीज़ को हमें तालमेल बैठाना होता है, राइट? तो इक्विलिब्रियम की बात कैसे है, जैसे कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे तुम्हारा सिंपल सा कोई भी रिएक्शन ले लो, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है कि इसने ए प्लस बी रिएक्ट करके मेरे को सी दिया, दिस इज व्हाट इररिवर्सिबल रिएक्शन। अगर सिर्फ एक एरो दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या हुआ, दो रिएक्टेंट साथ में आए, ठीक, उन्होंने कुछ भलता चीज़ें की और कुछ भलता प्रोडक्ट दे दिया, ठीक, और ये कभी ना कभी इनका ज़िंदगी में क्या होगा, अंत होगा, मतलब एक टाइम आएगा, स्टार्टिंग में तो ये क्या होंगे, ये दोनों मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, राइट, ठीक, और क्या होगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये क्या होगा, सी बनाता जाएगा, और ये पहले तो ज़ीरो था, फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये कभी मैक्सिमम हो जाएगा। एक टाइम ये होगा कि ये मैक्सिमम था और ये बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो एक ना एक दिन ये रिएक्शन क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है,
जैसे तुमने पेपर उठाया और पेपर को माचिस से आग लगा दी, है ना, आग लगा दो, आग लगा दो, तो ये झरझर 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 क्या हो जाएगा, एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो भाई साहब क्या हो गया, अब तुम इसको वापस ले आओ, एशेज से वापस से पेपर लेके आओ, कभी ना हो पाना है, ठीक है, वो तो खत्म हो गया, अंत हो गया। ठीक, तो सीधी सी बात है बेटा, जैसे कि तुम कैंडल भी जलाते हो, पूरी मोम खत्म हो गई, ठीक है, तो वो इररिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट कैन नॉट रिवर्ट बैक, लाइक योर एजिंग, तुम लोग का बड़े होना, नीट एग्जाम का पास आना, ठीक है, 2020 का एग्जाम एक ही बार होना है, खत्म तो खत्म, दैट इज एन इररिवर्सिबल रिएक्शन, फिर दोबारा कुछ और ही आएगा, राइट, थोड़ा सा डर लो, हेलो फिलियरलेस, हेलो निशांत, ठीक है, एंड यस, इररिवर्सिबल बेसिकली ओपन कंटेनर में होती है। ठीक, नेक्स्ट आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, मतलब जो चीज आगे जा रही है वो पीछे भी आएगी। ठीक है, ये तुम्हारा रूम है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक, तुम यहां पर बैठे हो और तुम्हें यहां पर तुम्हारा क्या होगा, तुमने पूरी रूम की लंबाई नापनी है, तुम यहां पर पहुंच के रुक गए तो तुम्हारा अंत है, लेकिन इस रूम का क्या है, बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट पे तुम जल्दी भी पहुंच सकते हो, आराम से भी पहुंच सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या हुई, तुम इस पे आगे बढ़े, ये तुम्हारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम, लेकिन ऐसा हो सकता है तुम इसके आगे भी चले जाओ, इसके आगे चले गए लेकिन तुम वापस भी आ सकते हो, राइट, बेसिकली इक्विलिब्रियम किसी भी जगह का फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक, और इसको हम कब पा सकते हैं, जब बेटा क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करें। इसका मतलब क्या है, क्लोज कंटेनर का रिएक्शन का मतलब क्या है भाई साहब, मेरी तो स्लाइड ही आगे नहीं बढ़ती। ठीक, तो देखो क्लोज कंटेनर का मतलब क्या है, जैसे आपने रिएक्शन की कैल्शियम कार्बोनेट की, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट करते हो तो आपको क्या देता है, CaO देता है एंड CO2 देता है। ठीक, ये सॉलिड रहता है, ये भी सॉलिड रहता है, और ये क्या रहता है, गैस रहता है, राइट। अब बेटा क्या होता है, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा स्टार्टिंग में, मान लो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, स्टार्टिंग में ये 100 मोल थे, ये दोनों 0 0 थे, ये था तुम्हारा टी इज इक्वल टू 0 जब रिएक्शन बिल्कुल शुरू किया। ठीक, आफ्टर 5 मिनट्स मैंने देखा इसका कुछ हो गया 99 मोल्स, इसका एक एक मोल हो गया। फिर क्या लगते हैं, चलो तुम्हारा रैंडम वैल्यू नहीं लेते, ऐसे लेते हैं जो तुम्हें समझे, दिमाग में क्लिक करे, 98 ले लो, ठीक है, टी इज इक्वल टू 10, तुमने 96 किया, ये दो दो मोल हो गए। ठीक, फिर ऐसे तुमने ले लिया 30 मिनट्स ले लिया, तुमने मान लिया कि ये 90 हो गया, ये 5 5 हो गया, ऐसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, टी इज इक्वल टू मान लो 1 आवर बाद क्या होने वाला है, टी इज इक्वल टू 1 आवर बाद मैंने ऐसे रैंडम माना है कि यहाँ पर 80 मोल इसके बचे और ये 10 10 मोल बन गए, ये तुम्हारा क्या पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ठीक, अब क्या होने वाला है, अब क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाने वाली है, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, अभी भी तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, तुम्हारा इस रिएक्टेंट में वापस आने वाला है। ठीक है, मतलब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा सकते हैं और जब सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे तो उनके वापस बीच में क्या होने लगेगा, कोलिजन होगा और वापस से वो क्या बनाने लग जाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमको देने लग जाएंगे। ठीक, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं ये स्टैटिक हो जाती है, स्टैटिक नहीं होती है, रिएक्शन डायनेमिक रहती है, और ये स्टैटिक डायनेमिक क्या है हम ये समझते हैं। ठीक है, थैंक यू पृथ्वीराज, अब बात करते हैं बेटा, अब आप पहले एक चीज देखो, मेरे को एक चीज बताओ, क्यों हम क्लोज कंटेनर में लेते हैं, हम लोग बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि रिएक्शन हम क्लोज कंटेनर में करेंगे, हम क्लोज कंटेनर में करेंगे रिएक्शन, क्यों, कौन बताएगा, कैमरा विंडो छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं क्या, कि अच्छा इसको और छोटा कर दूं, ओके अभी अभी नोटिस करूंगी। ठीक है, हेलो रुचि, हेलो हैप्पी, नमा दिवांश, चलो बताओ, क्लोज कंटेनर में इसलिए करते हैं बेटा, जैसे तुमने रिएक्शन करनी है, ठीक है, ए प्लस बी सी दे रहा है, राइट, तो अब बेटा क्या होगा, अगर तुम्हारा ये ओपन कंटेनर होता तो जब तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट बन रहा होता ना, वो वेपराइज होके बाहर निकल जाता, इसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं,
तो इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हारा दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है, ये सारी की सारी चीजें। इनमें से कुछ चीज अगर बाहर निकलती चली जाएंगी तो वापस से तुम कभी इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं पाओगे, राइट? तो इक्विलिब्रियम के लिए एक तो पहली चीज फिक्स है कि क्लोज कंटेनर में आप रिएक्शन करें, ठीक। दूसरा चीज क्या है, एक पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, आपका इक्विलिब्रियम को अगर हमें चेक करना है ना, तो आपकी बहुत सी जैसे मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर हो गई, कंसंट्रेशन हो गया, या कह सकते हैं टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कलर चेंज, इन सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम को जान सकते हो कि इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। मतलब जैसे आप जब लेते हो बेटा, ऐसे कंटेनर में अगर तुमने क्या लिया, H2+I2 लिया, देवांश आपको अगर दिख नहीं रहा, वापस से पोर्टल बंद करके ऑन करो, ठीक है। H2 और I2 दिया तो बेटा क्या बनाएगा, ये HI। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, पहले जो कलर होता है बहुत ज्यादा पर्पलिश टाइप का होता है, ठीक है, डार्क पिंक कह सकते हैं, ठीक, पर्पल टाइप का या डार्क पिंकिश टाइप का रहता है कलर। जैसे जैसे H2 और I2 के बीच में रिएक्शन होता है और वो HI में कन्वर्ट होता जाता है, राइट, तो क्या होगा, कलर थोड़ा कम होता जाता है। कुछ देर बाद कलर चेंज हमें नहीं दिखाई देता है, कलर चेंज नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है बेटा, क्योंकि उस समय हम बताते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, जितना मोल्स H2 और I2 का आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है। व्हाट डज दिस मीन, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डायनेमिक। इसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम कहते हैं इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो आपका डायनेमिक होता है नेचर में, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद रिएक्शन रुक नहीं जा रही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पहुंचा है, रिएक्शन चल रही है, ठीक, लेकिन हमें वो क्या होती है, जस्ट अपियर होती है, वो स्टैटिक हो गई, एक जस्ट विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इस विजुअलाइजेशन को देखें कैसे पता चल रहा है, देखिए कैसे होगा, फिर छोटू सा क्यूट सा एग्जाम्पल, ठीक है, ए था, ए आपका कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, इनिशियली इसके 100 मोल, ये 0 मोल, ठीक है, ये 90 मोल, 10 मोल, 80 मोल, 20 मोल, ठीक, ये 70 मोल, 30 मोल, 60 मोल, 40 मोल। अब मैंने मान लिया ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, हमने क्या कहा, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है पृथ्वी, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक बिश्नोई साहब। तो अब बेटा ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये कंसंट्रेशन हमेशा अपीयर होगी कि ये 60 मोल बना हुआ है, ये हमेशा प्रोडक्ट 40 मोल बना हुआ है। अब इस समय देखो क्या हो रहा होगा, जिस रेट से मान लो यहां पर 5 मोल आगे जा रहे हैं, 5 मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, अब हम बनाएंगे दूसरे कलर से, उसी समय क्या हो रहा है, 5 मोल प्रोडक्ट के क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जिस स्पीड से यहां पर ये मोल्स आगे बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, यहां पर 55 हो जाना चाहिए था, यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, 45, लेकिन क्या हुआ, उसी स्पीड से ये 5 मोल जो बढ़ने वाले थे, यहां से इसने बोल दिया भैया एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात करते हैं कि कुछ डिसबैलेंसिंग नहीं आएगी, तो क्या हुआ, वापस से ये 60 मोल दिखने लग गया, वापस से क्या हो गया है, 40 मोल। तो ऐसा नहीं है कि मोल्स आगे कन्वर्ट नहीं हो रहे, मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के वापस से रिएक्टेंट में आ रहे हैं, बट दे आर अपियरिंग टू बी कॉन्स्टेंट। सिर्फ हमें अज्यूम होता है, सिर्फ हमें अपियर होता है कि रिएक्शन स्टैटिक जैसी दिख रही है, बट हुई नहीं है, अभी क्या है, दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक। अभी इस चीज का बात समझ चला, पता चला, अरे पार्थी मेरा बाबा पढ़ ले। अच्छा, इस चैप्टर का अगर टेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, ये बात क्लियर हो गया, ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक के बाद और क्या बताएंगे बबुआ, ओ बबुआ हो, डायनेमिक के बाद इसकी एक और फीचर होती है, कोई बताना चाहेगा, कोई तो बोलना चलेगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा, मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ करना, ठीक है, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, मतलब H2+I2 को तुम रिएक्ट करके जब 2HI पे जाओगे, ठीक
ठीक है, इनका जो भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा वो तुम चाहे 2H प्लस इसको करोगे, दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम रहेगा। अब बोले मैम का बोली समझा ही नहीं, तो सबको समझते हैं हम, कैसे समझेंगे भाई। रूम पे पहुँचो, चलो रूम पे पहुँचे हुए, तुम्हें रूम नापना बहुत पसंद है, ठीक, तुम यहाँ थे एक बार, तुम बोले देखते हैं रूम का सेंटर कहाँ है, तुम यहाँ से चले, रूम का सेंटर तुम्हें यही मिला, मेरी लाइन टेढ़ी है इसका मतलब नहीं कि रूम टेढ़ा है, रूम सीधा ही है, ठीक, इसका सेंटर पॉइंट यही था, ठीक, तुम चाहे यहाँ से चलो तो भी क्या हुआ, विंडोज और छोटा कर दो, रुक जाओ एक सेकंड भैया रुको, एक तो तुम लोग बड़ी मुश्किल तो समझता है हमको, अयो एक सेकंड, तुम लोग को मेरा चेहरा पसंद नहीं ना, मैं जान रही हूँ, ठीक है इतना छोटा, ठीक है तो ठीक है आई गेस, छोटू हो गया मैं बिल्कुल, अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे, ठीक बा, ओके ठीक कूल यस। तो चलिए आगे बढ़ते, तो जैसे मैंने कहा बेटा कि इस रूम का एक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक, इस रूम का इक्विलिब्रियम कहीं से भी आ सकता है, ये इक्विलिब्रियम कहाँ से आ सकता है, पेन भी ले लें, ठीक, यहाँ से चलोगे तो भी इस रूम का इक्विलिब्रियम ये है, यहाँ से चलोगे तो भी इक्विलिब्रियम ये है, तो सेम चीज़ मैं वही कह रही हूँ, तुम रिएक्शन H2 प्लस I2 को, ये तुम्हारे रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट करके 2HI दें, तो इस रिएक्शन का जो कुछ भी, अगर जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा K1, वो तुम अगर तुम HI को एज अ रिएक्टेंट मानकर ये रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो भी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो तुम किसी भी तरफ से चलो, यहाँ से चलो तो भी तुम्हें इक्विलिब्रियम पॉइंट वही मिलना है, यहाँ से चलो तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट वही मिलना है, ठीक है, जैसा कांशा रुक जाओ बेटा, ठीक, दोनों की चीज़ें क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें क्या मिलने वाला है, बरोबर मिलने वाला है, ठीक। अब बेटा हम जो बात करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, बार बार हम लोग कह रहे हैं, सिंपल सा इक्विलिब्रियम हमारा तब अचीव होता है बेटा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है, जिस रफ्तार से तुम आगे भाग रहे हो उसी रफ्तार से तुम पीछे आ रहे हो, तभी तुम्हारा क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने वाला है, एक साथ दोनों मोड्स तुम्हें बराबर दिखेंगे, ठीक है। अब बेटा इसकी बात करते हैं, अगर इसके ग्राफ पे मैं आऊँ, ठीक, ग्राफ पे देखिए कैसे होगा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, इसके दो ग्राफ इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, एक टाइम का रेट के साथ बात करते हैं, जब इनिशियली कोई रिएक्शन हो रहा है, ए इज गिविंग यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस समय जो ये रिएक्टेंट है आपका स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहेगा और ये जीरो रहेगा, ठीक, तो अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बात करूं स्टार्टिंग में, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे है, और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम आया दिस कॉन्सेंट्रेशन इज बिकम गोइंग टू बिकम कॉन्स्टेंट, ठीक। ऐसे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट का क्या होने वाला, रेट की बात कर रही थी सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन, पहले कॉन्सेंट्रेशन कर लो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बना रही हूं मैं, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंट का धीमे धीमे क्या होगा, कम होता जाएगा, और प्रोडक्ट क्या था, अभी मैंने मान रखा है कि इनिशियली लेट है, कोई बात नहीं कहना, यहाँ से पढ़ो, तो जैसे जैसे कैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होगा, ये कुछ इक्वल हो जाएगा, मतलब चेंज होना बंद हो जाएगा, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बहुत लोगों को कष्ट होगा, मैम अपने नीचे वैल्यू क्यों छोड़ दी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर पी, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ठीक, और ये है प्रोडक्ट का, भैया इसमें कोई गलत नहीं किया, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, मैंने ये तो कहा नहीं कि भैया रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ऊपर जा रही है या बहुत कम हो रही है,
इक्विलिब्रियम किसी भी टाइम अचीव हो सकता है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ में क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ में देखिए क्या हुआ कि इनिशियली ये 100 था, ये 0 था, ये 90 था, ये 10 हुआ, ठीक है, 80 था, ये 20 हुआ। इस समय मेरे को इक्विलिब्रियम मिल गया। तो इक्विलिब्रियम इस समय मिल गया कि अब आपका दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो इस वजह से मुझे ऐसा ग्राफ मिला। अब मान लो अगर कंडीशन चेंज कर दूं, ये 70 हुआ, ये 30 हुआ, ये 60, 40, फिर मान लो अचानक सही 40 हुआ 60। एक बार मुझे यहाँ, जैसे पहला कंडीशन था, पहला केस था ये इक्विलिब्रियम का, सेकेंड केस में मुझे यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल रही है, तो इस समय क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, ठीक। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम का, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा कि ये भाई साहब रिएक्टेंट नीचे जाते जाएंगे, प्रोडक्ट क्या हो गया ऊपर चला गया। इक्विलिब्रियम तो मिला है ना, यहां से इक्विलिब्रियम तो मिल ही गया, कांस्टेंट होगी वैल्यू। यस, इसमें कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा बीच में कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम हो रही होगी किसी पॉइंट पे, राइट। तो इस पॉइंट पे पता चल रहा है कि इनकी कोई कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रही थी, लेकिन इक्विलिब्रियम हमारा चेंज हो गया, यहां से ये जहां से पैरेलल हो गए वो हो गया, ठीक। तो कुछ भी चेंज हो सकते हैं, राइट। ठीक, क्या हो गया तन्मय का, यस तन्मय अभी क्लियर हो गया, यहां पर इंटरसेक्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम इधर ही मिले, इक्विलिब्रियम कहीं भी मिल सकता है, इंटरसेक्ट करने के बाद में भी मिल सकता है, एग्जैक्टली 50-50 पे भी मिल सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, ठीक, ओके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रेट का, रेट तो इसमें भी बात करूं बेटा, जैसे अगर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये हमें पता है भाई, रेट हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के कॉन्सेंट्रेशन के, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा उतना ज्यादा रिएक्शन आगे भागेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑलवेज यूज सीजीवी मैम कोड, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा इजिली रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी। तो और हमने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है बेटा, मैंने एक चीज ये भी कही है, ठीक। तो भाई साहब जैसे जैसे हमारा रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कम हो रहा है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ क्या होगा आपका, बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, और जब दोनों इक्वल हो गए तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ये क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है, सही है। अरे थैंक यू बेटा, अब जिंदाबाद बाद में करना, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, यहां तक में किसी को कोई कष्ट, ठीक। अब अपन लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है भैया, स्लाइड आगे बढ़ जा। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसमें हम एक डब्बा यूज करते हैं, हम कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन को डब्बे में बताते हैं, डब्बे में हम क्यों बताते हैं, क्योंकि वो होता हमारा एक्टिव मास। एंड व्हाट डज एक्टिव मास मींस, कि जितना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है मास, ठीक है, एक्टिव मास जो होता है जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। और हम लोग जो एक्टिव मास लेते हैं वो सिर्फ गैस का लेते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड का नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बहुत हल्ला हो रहा है बेटा, तुम मेरी बात सुनो, तुम मैसेजेस मत देखो, ठीक है, सिर्फ गैस का हम एक्टिव मास लेते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा, सिंपल सा रिएक्शन लूंगी मैं, ए बी सी डी नहीं लूंगी, सिंपल सा आर इज गिविंग यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये सिंपल से चीज है। अब हमने बोल रखा है अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं लिख सकती हूँ के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ ये के एफ क्या है, ये बेटा आपका क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, दिस वन इज योर रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, प्लीज उन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। जब रेट आपका प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, तब उस वक्त जो भी आएगा आपके वो डैट इज रेट कॉन्स्टेंट। और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कब आता है,
जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, उसके टाइम में आता है। तो देखो उसका कैसे आएगी वो वैल्यू मैं बताती हूँ, उसको हम कैसे पहले लिखते हैं, आर एफ हो गया। ऐसे अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ के बी इंटू प्रोडक्ट लिख सकती हूँ मैं। और इस समय आपको पता है इक्विलिब्रियम के टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो आप इसको लिख सकते हो के एफ इंटू आर इज इक्वल टू के बी इंटू पी। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया भाई साहब, के एफ बाई के बी कर दिया। ठीक, ये सबको पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो आज पता चल गया। अब देखो ये तुम्हारा मेन इक्वेशन आया। ठीक है, चिल्लाते रहते ना ये वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है मैम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो, बिल्कुल सही। और ये जो चोर आया ना, ये चोर जो आया के एफ बाई के बी, ये है तुम्हारा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज योर के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, किसी को कोई दुख दर्द नहीं है ना सूरज? बिल्कुल सही, मेरे बच्चों को दुख दर्द नहीं होना चाहिए। तो आप दो तरीके से कह सकते हो, एक तो कह सकते हो केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली रेशियो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट, ध्यान दो दिस इज योर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जिस समय इक्विलिब्रियम हुआ है उस समय का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ना कि इधर उधर का, कहीं का नहीं लेते, सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, जो केसी है, ठीक है, वो किस किस चीज के इंडिपेंडेंट है। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस किस के? पहला तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। जैसे यहां देखो तुम लोग को स्लाइड दिखी रही होगी साइड में, ठीक है, हेलो प्रज्ञा बेटा, अगर लैग हो रहा है तो मेरे को बता दीजिएगा, मेरे तरफ से है तो मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, अगर मेरे तरफ से हो रहा है, ठीक, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, ये जैसे सिंपल सा रिएक्शन लिखा मैंने आर पी, ठीक है, अगर अब मैं इसका केसी लिखूं तो केसी बेसिकली क्या है, केसी हमारा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं व्हाट आई डिडंट आंसर, ठीक है बेटा, अभी पहले हम भाई यहां पर देख लेते हैं क्या चीज डिपेंड करता है बेटा। धीरज, इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम ही आएगा बेटा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो यार प्लीज, कमेंट सेक्शन में नो बदमाशी, आई ट्रस्ट यू ऑल बच्चा ना, प्लीज ऐसा मत करो यार, तुम लोग मेरे बच्चे हो ना। अब बेटा इसका मतलब क्या है, देखिए ये होता है, अब देखो तुम्हारा सिंपल सा मैं एक चीज बता रही हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सिंपल सा एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे को बहुत छोटू सा क्यूट सा एग्जाम्पल लगता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को ले रही हूँ, सिंपल सा है। और मैंने ये कहा कि भाई साहब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अब मेरे को केसी निकालना है, तो केसी विल बी सिंपल सा 30/70। ठीक, तुम्हारा इक्विलिब्रियम इस समय आया, तो केसी होता है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की एंड रिएक्टेंट की एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, या इसके बाद क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को नहीं डिनोट करता है। केसी इज फिक्स्ड फॉर एनी रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर, मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी केसी की वैल्यू फिक्स्ड रहती है। ठीक है, ये तो एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दूसरा किसके होता है बेटा इंडिपेंडेंट तो लिख ही दिया था, कैटलिस्ट, ठीक है, एन इनर्ट मटेरियल, ठीक है, कैटलिस्ट क्या कर सकता है बेटा, सीधी सी बात, फिर से रूम वाला एग्जांपल, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तुम भागना चालू किए, तुम पहले क्या कर रहे थे, धीमे धीमे सीधे, सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना, बहुत बच्चों ने सुना होगा, हेलो महक बेटा,
ठीक है, आप सुबह सो रहे हो ठंड में, बिल्कुल तगड़ी सो रहे हो, आजकल तो एग्जाम का बिल्कुल माहौल छा रखा है, ठंड है बिल्कुल, सो रहे हो, पापा का ऑफिस का टाइम है, पापा जगे 5 बजे, तुम सो रहे हो, ठीक है, मम्मी से बोली जग बेटा जग बेटा जग बेटा, आराम से जग रहे हैं, रो रहे हैं, काम किसी तरह धीमे धीमे यहाँ पर पहुंच रहे, रेंगते रेंगते, ये तुम्हारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पढ़ाई के टाइम तक हम रोते रोते पहुंच रहे हैं। अब पापा को बुलाएं, अब चलो पापा को बुलाते हैं भैया, पापा को बुलाएंगे ब्लू कलर से, पापा उठे और फ्लाइंग चप्पल, पता है उड़ते हुए आई, बस तुम भागे धर 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 धर, पढ़ाई चालू, पढ़ाई करने बैठना इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, मम्मी बोली तो तुम आराम से चले, पापा आए तो तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ, बढ़ गया, तो कैटेलिस्ट बस वही है, पापा आए तुम्हारे, ठीक है, पापा इन फ्लाइंग चप्पल इज योर कैटेलिस्ट, कि भाई साहब शांति से जल्दी से पढ़ाई पे चालू हो जाना, तो कैटलिस्ट बस क्या करता है, रेट को बढ़ाता है, फॉरवर्ड को या बैकवर्ड को, घटा भी सकता है, कैटलिस्ट कैन ऑल्सो डिक्रीज ऑल्सो, ये हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ रेट को चेंज करेगा ना उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को, ठीक है, तुम जल्दी पहुंच जाओ चाहे धीमे पहुंच जाओ, ठीक, और कोई चीज बेटा जो इसको इम्पैक्ट करती है, ठीक, और किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर ले तो आपका इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। निखी क्वेश्चन आस्क, अभी मैं बताती हूँ, एक तो केसी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट अभी मैं बताऊंगी जो केपी पे आता है, ठीक है, आज पूरा मैं बता दूंगी, टॉपिक कर ले तो मैं सब बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बेटा, जैसे हमने केसी को बताया ना, वैसे हम केपी को भी बताते हैं, केपी क्या होता है, केपी भी होता है सेम रिएक्शन का, लेकिन इधर हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कहते हैं, पार्शियल प्रेशर, जैसे अभी मैंने ये रिएक्शन लिया, ए तो रहा है बी, ठीक, तो अब बेटा जो पार्शियल प्रेशर आपका प्रोडक्ट का है डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, ये प्रेशर के टर्म में रहता है, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल होती है ना, या क्या कह सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी लिखते हो ना बार बार, इसके प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहती है, तो हम ये लिखते हैं, और इनका एक फॉर्मूला क्या होता है, के पी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन होता है, और मैं यहाँ छोटू सा जी भी लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे आपकी काफी बात होती है, डेल्टा एन जी होता है बेटा सीधा सीधा कि कितना मोल है आपका प्रोडक्ट का, ठीक है, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, फैज बेटा आधे घंटे लेट हो, ठीक है, एनजी होता है गैशियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड गैशियस मोल ऑफ रिएक्टेंट का, सिंपल, गैशियस मोल ही लेने वाले हैं, क्यों लेने वाले हैं, मैंने बताया क्योंकि हम लोग की सॉलिड एंड लिक्विड का क्या होता है, मास सॉरी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, तो सिंपल सा अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं, ठीक है, इस रिएक्शन यहां से ध्यान देना चालू करो और ज्यादा, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग करके आते हैं, तो वो नहीं करेंगे अपन, सिंपल सा रिएक्शन, अगर मैं इसका केसी लिखूं, इसका केसी क्या होगा, वन अपॉन सी ए ओ सीओ टू होगा, सॉरी वन अपॉन सीओ टू होगा, और इसका अगर मैं केपी लिखूं तो क्या होगा, सिंपल सा इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक, और अगर मैं इसका डेल्टा एन जी देखूं क्या होगा बेटा, 1 माइनस 0, डेट इज 1, सिर्फ क्योंकि क्या है, एक ही गैशियस मोल है प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के क्या है, 0 है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर मैं इसका केपी एंड केसी का रिलेशन निकालू तो क्या आएगा, केपी केसी आर टी की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है, 1 है, ठीक है, और इसी से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं, यूनिट क्या होगी, केसी की यूनिट क्या होगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, और जो भी डेल्टा एन जी आ रहा हो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, वो लिख दोगे, ठीक है, सिमिलरली केपी की यूनिट अगर होती है एटीएम होती है, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, मोस्टली हम एटीएम यूज करेंगे, अगर पास्कल आ जाता है या कुछ आ जाता है, बार आ जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते हैं, राइट, यस नमा, यस सत्वेशा, सत्वेशा बिल्कुल सही, केसी केपी वाला इफेक्ट की बात कर रहे हैं कान्हा, ठीक है, यस यस सॉरी 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 सॉरी, यस इट विल बी सीओ टू, प्रोडक्ट में लिखा है ना, डेट इज ट्रू, इट विल बी सीओ टू, राइट, सॉरी बेटा, है ना, तो ये सही था, ये गलत लिख दिया था,
जल्दी देखो तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में, मुंह में गिर गई मैं। ठीक, ऐसे हम किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं बेटा। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोग को क्या करना है। अब बेटा बात जो आती है इस पे, अब देखो क्वेश्चन क्या आने वाले। ठीक है, तीन पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, सिंपल सा पॉइंट लिख रही हो, एन टू है, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा, काम भी हो जाएगा। ठीक, अगर कहीं नहीं लिखा है तो कुछ कॉमन सेंस भी होती है कि भाई साहब कौन सा चीज गैस है कौन सा चीज सॉलिड है। अब कैल्शियम कार्बोनेट और इस सब में तुम्हें इतना तो रट ही गया होगा भैया कि कौन गैस है कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन है भैया, इसको भी पूरा लिख देते हैं, थ्री एच टू लिख देते हैं, टू एन एच थ्री, वरना आधी जनता चिल्लाएगी। ठीक, इसका अगर मैं केसी लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा एन एच थ्री का क्यूब सॉरी स्क्वायर और एच टू का क्यूब और एन टू, ये मिलेगा राइट। बिल्कुल सही। अब बेटा अगर इस रिएक्शन को मैं कह दूं रिवर्स, रिएक्शन इज रिवर्स्ड, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एन एच थ्री एन टू प्लस थ्री एच टू गैस। ठीक, तो इसका केसी क्या हो जाएगा, इसका केसी डैश लिखते हैं, केसी डैश विल बी एन टू एच टू का क्यूब अपॉन एन एच थ्री का स्क्वायर, हो जाएगा बिटवा ओ बचवा हो राइट। तो मेरे को इससे क्या पहला पॉइंट मिला कि कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाती है तो उसका जो के सी डैश रहता है वो क्या हो जाता है, वन अपॉन के सी के इक्वल हो जाता है। ये और ये क्या है, रिवर्स ही तो है ना, के सी डैश एंड के सी का रिलेशन देखोगे राइट। तो इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, ठीक है, तुम्हारे पास रिएक्शन ऐसे लिख के आ जाएंगी और बोलता है केसी एंड केसी डैश के बीच में आप रिलेट कीजिए। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का, हमने पीवाईक्यूज किए थे, ठीक है, उसी सेशन से मुझे लगा कि आप लोग को पहले थोड़ा सा थ्योरी दिखे, ज्ञान देना जरूरी है, रिवीजन कराना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें देखना इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द ईयर्स में तीन से चार क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का रहता ही रहता है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का मोस्टली रहता है, मोस्टली रहता है। ठीक है, तो इतना प्यारा सा चीज तुम छोड़ दो या गलत हो जाएगा, ठीक है, पाप हो जाएगा समझ लेना, और तुम पाप करोगे नहीं। ठीक, दूसरा बात करूं, रिएक्शन रिवर्स हो गया। अभी इसी रिएक्शन में देखो सेकंड पॉइंट, देखो क्या होता है, N2 था गैस, ठीक, 3H2 था गैस, फुर 2NH3 था गैस, फुर। ठीक, अब इसका जरा KC लिख लिया, फिर से वापस से NH3 स्क्वायर अपॉन N2 H2 का क्यूब फुर। ठीक है, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली निकी, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझा सकूं, मैं यही कह सकती हूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब मैं करने वाली हूँ, लेट्स डिवाइड द रिएक्शन बाय टू। ठीक, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या मिलेगा, वन बाय टू एन टू गैस प्लस थ्री बाय टू एच टू गैस एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एच थ्री गैस राइट। तो नाउ लेट्स राइट के सी डैश, अभी क्या होगा अपन का, वन बाय टू एच टू की पावर थ्री बाय टू राइट। अब दोनों रिएक्शन में देखो कंपेयर करो क्या हो गया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, इफ एन इज मल्टीप्लाइड इन अ रिएक्शन देन के सी डैश इज इक्वल टू के सी की पावर एन, यही तो हुआ ना। यहां पर एन क्या है, यहां पर एन क्या हुआ, एन मैंने किया टू, के सी डैश क्या हुआ, के सी की पावर एन ही हुआ, सॉरी डिवाइड किया था के सी, सॉरी इट्स वन बाई टू, डिवाइड द रिएक्शन लिखा है ना राइट, नॉट मल्टीप्लाइड, हाँ या नहीं, डिवाइड डिवाइड द हुआ। आर्थिक क्या हो गया, केसी केसी क्या, केसी हाफ लिख रहा है सब लोग, ठीक है। तो इसके लिए देखो केसी डैश क्या हो गया, पावर वन बाई टू हो गया, बिल्कुल सही है, किसी को कोई कष्ट।
आई टेल यू केपीकेसी प्रेशर का इफेक्ट, आई टेल यू डोंट वरी, है ना, लीच एटेंस प्रिंसिपल अभी होगा, तुम वेट करो, ठीक है, सही बात कह रहे हैं, ठीक, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं ना, एन फेयर था 1/2 था, तो केसी डैश में देखो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 1/2, सिंपल सा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड फाइनल दो पॉइंट हो गया अपन के, फाइनल पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, ठीक है, देन उनका जो केसी रहता है वो मल्टीप्लाइड रहता है K1 एंड K2 का, ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लाई, नॉट इनटू मल्टीप्लाई, ठीक, फाइनल क्या होता है, K1 इनटू K2 रहता है, क्लियर। मोहम्मद इमरान क्या समझ में नहीं आया बेटा, इधर देखो ना क्या हुआ, यहां पर अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर रही हूं, n क्या है 1/2, अगर मैं इस रिएक्शन में 1/2 को मल्टीप्लाई किया, 1/2 मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये रिएक्शन मिला, हाँ या नहीं, या कह सकते हो इस रिएक्शन को डिवाइड किया मैंने, ठीक है, डिवाइड द रिएक्शन बाय 2, तो उसका केसी डैश क्या आ रहा है, केसी डैश आ रहा है पूरे केसी का 1/2, केसी का 1/2, अगर इसमें मैं 1/2 लिखूं, मैं ब्लू कलर से बताऊंगी इसमें, है ना, ताकि तुम्हें समझ में आए, अगर इसमें 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये और ये तुम्हारा बराबर आ गया, राइट, तो केसी डैश इज वॉट, केसी की पावर 1/2, बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, ठीक है, आज इसका रिवीजन हो जाए, बिल्कुल क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है, और अनअकैडमी पे हमारा रिवीजन की क्लासेस चल ही रही हैं, तो आज आप ये कर लो, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करवा लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेली मेरी 3 to 4 PM होती, 4:30 तक होती है क्लास, स्पेशल क्लास, आप वहाँ देख लो, ठीक, तो ये हो गया, इसके आगे बढ़ते यार, ठीक है, केसी केपी सारी चीज़ें हो गई, अब हमें बात करनी है बेटा केसी और केपी के रिएक्शन के बारे में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो पूछता है केसी एंड केपी का क्या बताने जा रही थी मैं यार, तुम लोग के कमेंट भी देख लो, यस, दिमाग से बिल्कुल छूट गया कि क्या बताने जा रही थी, अरे यार, हाँ, केसी केपी के बारे में अभी हमने इतनी बात कर ली, अब जरा बेटा देखो क्यूसी क्या होता है, क्यूसी होता है तुम्हारा रिएक्शन क्वोशंट, रिएक्शन क्वोशंट, इसका मतलब क्या है, ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, फिर से बनाओ, ठीक है, 100 मोल था, 0 मोल था, 90, 10, 80, 20, 70, 30, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस समय तो तुम्हारा केस कैसी है, मान लो किसी वजह से यहाँ पर थोड़ा चीज़ें और हुई, यहाँ पर क्या चीज़ें हुई, यहाँ पर 60-40 पे भी चीज़ गया, ठीक है, तुमने अचानक सडनली तुमने क्या कर दिया, किसी वजह से प्रोडक्ट ऐड कर दिया, ठीक है, और रिएक्टेंट निकाल दिया, कुछ तुमने ऐसा किया उस वक्त, तो केसी तो क्या है यहाँ पर 30/70 ही है, ठीक, लेकिन जब तुमने रिएक्शन चालू की ना, तो तुम लोग बड़े दुष्ट लोग हो, तुम्हारा मन क्या नहीं देखे इक्विलिब्रियम पहुँचा या नहीं पहुँचा, है ना, तुमने तुरंत चेक किया भैया लेट्स सी, जैसे रिएक्शन स्टार्ट किए जरा देखो कि क्या प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशियो है, तो तुम्हें पहले क्या मिला 0/100, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो तुम्हें मिला 10/90, फिर देखा तो तुम्हारा क्या हुआ 20/80, और फिर देखा तो क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल आ गई, तो क्यूसी क्या होता है, सिंपल सा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है, पर किसी भी वक्त, ठीक है, बाद में देखा तो क्या हो गया, क्यूसी वॉज कमिंग आउट टू बी 40 and 60, ठीक है, यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है लास्ट वाले केस में, कैसे हुआ है वो बाद में बात करेंगे, ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्यूसी क्या है, सिंपल सा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी वक्त पे, जब आपका मन किया आपने देख लिया, तुम अपने मर्जी के मालिक हो, ठीक है, भैया स्लाइड आगे चला जा, मेरी स्लाइड आगे नहीं जाती यार, पहले पेन भी चेंज कर लें, हाँ, तो अब बात करती हूँ बेटा क्यूसी एंड केसी, अब श्वेता बेटा प्लीज माइंड योर वर्ड्स, इट विल बी बेटर, तो मैं जो कह रही थी क्यूसी एंड केसी के बारे में, इसके 3 केसेस है बेटा, क्यूसी लेस देन केसी भी हो सकता है, Q
ग्रेटर देन के सी भी हो सकता है, और एक बीच का बात करते हैं क्यू सी एंड के सी की इक्वल भी हो सकता है। ये टाइम का बात क्या है, मतलब कि रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम पे, ठीक। क्यू सी लेस देन के सी से मतलब क्या है, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा नहीं है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और तुम यहां पर कहीं पर अटके हुए हो, राइट। तो मतलब क्या हुआ, रिएक्शन किधर भागेगी, रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। बट इसकी बात करूं तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। और यहां पर क्या हो गया, तुम ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तुम इससे आगे चले गए हो, तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके बारे में एक और चीज जनरलाइज की गई थी, क्या कहा गया था, इधर देखो क्यूसी केसी और ये वाला, यहां पर क्यूसी इज इक्वल टू केसी है, दैट मींस इट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट बेटा। ये पॉइंट क्या हो रहा है, क्यूसी जो है आपका लेस है, क्या है भाई साहब, केसी से, और ये क्यूसी लेस ग्रेटर है केसी से। इससे आप क्या भावनाओं समझते हो, ठीक है, मैं आपको तीनों केस बता दे रही हूँ। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, 100, 90, 10, 80, 20, 70, 30, 60, 40, ठीक है, आगे चलते जाते हैं। इसमें बाद में तुम्हारा हो गया मान लो 30 हो गया, ये तुम्हारा 70 हो गया, ऐसे आगे चला गया, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट जो है बेटा, ये है जिस वक्त QC इज लेस देन KC, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मैंने ऐसे ही मान लिया, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, ये तो तुम्हें क्लियर हो रहा है, ठीक। अब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, QC इज लेस देन KC से मतलब ये हो रहा है कि आपका मेजरली जो है, मेजरली आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, आप इधर कहीं पर हो, ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा बन रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, ठीक। तो आपका इस वजह से क्या हो रहा है, क्यू सी इज लेस देन के सी, तो रिएक्शन किधर की तरफ भागना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये कह सकते हो रिएक्शन इज एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, ठीक। यहां पर आप कह सकते हो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रेटर देन प्रोडक्ट है, यहां पर पॉइंट पे क्या हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन रिएक्टेंट है, और आप अब आगे आ गए, आप इधर कहीं आ गए, अब आपको क्या होना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम बैक। तो यहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, जितना आपको इक्विलिब्रियम के टाइम के रिएक्टेड था जरूरत थी, तो रिएक्शन क्या होगा, इधर बैकवर्ड भागेगा। इस चीज को मैंने इधर से समझा दिया, यस तान्या बेटा, आई नो 10 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। अब देखो बेटा केसी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट केसी, ठीक है, केसी के तीन चीजें होती हैं, तीन वैल्यूज होती हैं। एक कहते हैं केसी की वैल्यू जो है वेरी वेरी लेस देन 10^-3 है, एक केसी की वैल्यू होती है वेरी वेरी ग्रेटर देन 10^3 है, और एक होता है केसी की वैल्यू जो है लेस देन 10^3 बट ग्रेटर देन 10^-3, ठीक। ये आपका सिचुएशन क्या क्या है, जब ये कहा केसी इज लेस देन 10^-3, केसी मतलब कि क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ठीक है, मतलब ये समथिंग यू हैव रिटन 1/1000, ठीक, इस तरह से। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा ग्रेटर है प्रोडक्ट के, तो ऐसा कंडीशन पे मतलब क्या है, रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड, राइट, रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हुआ है, ठीक, समझ में आया, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है रिएक्ट। यहां पर क्या हुआ, रिएक्शन का अगर हम देखें, केसी इज 1000/1, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया रिएक्टेंट से, तो ऐसा पॉइंट का मतलब क्या है कि आप नियर अबाउट कंप्लीशन हो, नियर अबाउट कंप्लीशन, ठीक है, रिएक्शन आपकी क्या होने वाली है,
कंप्लीट होने वाली है थोड़ी ऐसा। और यहां पर पॉइंट का मतलब क्या है कि एप्रिशिएबल रेंज, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, दोनों क्या है सही सही अमाउंट में प्रेजेंट है, ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है ना बहुत ज्यादा रिएक्टेंट है, सही सही रेंज में। ठीक, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा रिएक्शन किधर की तरफ कंप्लीशन जा रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का बचा है, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगेन, ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेटा इसमें सिंपल सा देखा गया था क्या इफेक्ट होगा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का, प्रोडक्ट प्रेशर का या टेम्परेचर का या कैटलिस्ट का ऑन इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सा जो मेन तीन चीज होती है, एक तो फर्स्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, ठीक, सिंपल सा रिएक्शन N2+H2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, राइट, अगर इन दोनों में से, ठीक है, अगर हम पहला केस देखें, अगर मैंने रिएक्टेंट किसी वजह से भी इंक्रीज कर दिया, तुम्हारा केसी पहुंच गया था, इक्विलिब्रियम क्या है केसी, तुमने रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक, हेलो विशाल बेटा, तुमने रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो तुम्हारा क्यूसी क्या होगा, क्यूसी और केसी के बीच में अगर देखूं तो क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा या लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन होगा, क्योंकि ध्यान रखना है, दिमाग में रखते हुए चलना है कि ये क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है किसी भी इंस्टेंट पे। अब क्या हुआ, और केसी भी सेम चीज होती है, केसी क्या है भाई साहब, केसी तुम्हारा अगेन यही है अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, सेम चीज है, मैंने इसको बस जानबूझ के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पे लिखा है ताकि तुम्हारे दिमाग में हर चीज का केस बने। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो बेटा आप देखो, अब मैंने क्या कहा, तुम्हारा रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सी रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया, आइदर ऑफ द थिंग्स, कोई भी इन दोनों में से एक चीज बढ़ जाए, तो डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर हो जाएगा प्रोडक्ट से तो क्या हो जाएगा, क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी हो जाएगी, राइट बेटा। 7 PM तक क्लास है, तब तक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हो जाएगा, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे मेन पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो क्यूसी हमेशा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन केसी हो जाता है, सॉरी लेस देन केसी हो जाता है, तो क्या करना होगा, मतलब आप केसी से पीछे चले गए, इक्विलिब्रियम से पीछे चले गए, तो आपको रिएक्शन किधर भागेगी, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड टू अटेन बैक द इक्विलिब्रियम, रिएक्शन आगे भागेगी तभी तुम इक्विलिब्रियम पहुंच पाओगे। ठीक है, दूसरा चीज इसी को क्यों रिलेट करती हूँ, अगर मैंने प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट डिक्रीज कर दूं, मतलब तुमने NH3 को डिक्रीज कर दिया, तुम प्रोडक्ट को डिक्रीज करो या रिएक्टेंट को बढ़ाओ, बात तो सेम ही है ना, कि क्यूसी लेस देन केसी हो गया तो भी रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड भागती है। ताने समझ में नहीं आया, डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन आती है, 1/100 कहूं या 100/1 कहूं, इसका देखो इसकी वैल्यू तो 100 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0.01। तो जितना ज्यादा डिनोमिनेटर हो जाता है उतना क्या हो जाएगा, क्यूसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रिएक्टेंट इंक्रीजेस क्यूसी डिक्रीजेस, क्यूसी की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर रिएक्टेंट इंक्रीज करती हूँ। ठीक है, तो बेटा जब क्यूसी तुम्हारा घटेगा तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तुम यहां पर कहीं हो, तो वापस तुम्हें इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो क्या करना होगा, तुम जितना ज्यादा आगे भागोगे तभी तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो रिएक्शन तुम्हारी इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती, मतलब तुमने किसी वजह से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट किया तो अभी तुम वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहते हो, तो तुम किस डायरेक्शन में भागोगे, तुम आगे भागोगे तभी तुम्हारा रिएक्शन आगे आएगा। श्रेयांश ये मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा बेटा, आई विल टेल यू अबाउट द नीट का टेस्ट एंड ऑल। ठीक, सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट को घटा दूं, प्रोडक्ट भी घटा दूं, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट अगर डिक्रीज कर रही है तो रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स अगेन क्यूसी इज लेस देन केसी, तो भी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इदरवाइज कोई भी चीज हो। फिर दूसरी चीज मैं कहूँ कि भाई साहब या तो मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही हूँ या प्रोडक्ट बढ़ा रही हूँ, इन दोनों केस का मतलब क्या है,
इन दोनों केस का मतलब है कि क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर हो गई केसी से, ये वाला केस हो गया। अब क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है क्यूसी, क्यूसी केसी से आगे, तो मतलब तुम यहां पर थे कहीं, ठीक, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तुम यहां पहुंच गए। अब तुम्हें वापस इक्विलिब्रियम अटेन करनी है तो क्या होगा, तुम्हें रिएक्शन बैकवर्ड करनी पड़ेगी, तो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड्स दोनों केस में, ठीक है। केसी भी तो इनवर्स है किस चीज के बेटा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रेशर की, जो इंपॉर्टेंट चीज है अगेन दूसरी, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, भाई ये तुम्हारा रूम था, इसमें पहले मान लो ये 5 पार्टिकल्स थे, तो ये कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है। अब इधर ही मैं सेम टाइप के पार्टिकल्स या कैसे भी टाइप के पार्टिकल्स, ठीक, क्या कर लूँ, और बढ़ा दूँ। ये मैं कलर चेंज करना चाह रही थी, कलर नहीं चेंज हो रहा, एक सेकेंड भैया, ठीक। अब मान लो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये मैंने नीले रंग के पार्टिकल और बना दिए। अब मान लो ये तुम्हारे और ढेर सारे पार्टिकल्स, बहुत ढेर सारे पार्टिकल हो गए, अब मोल्स बढ़ गए, अब मान लो 15 मोल्स हो गए, ठीक। तादाद कम थी तो देर वॉज लेस प्रेशर, अब ज्यादा पार्टिकल्स आ गए तो क्या हो गया, मोर प्रेशर। तो प्रेशर को हमने अगेन क्यूसी से काइंड ऑफ रिलेट किया है, ठीक है। तो इसका ध्यान देना, जब भी प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन मूव्स इन डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ मोल इज प्रेजेंट, ठीक है। जब भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमेशा उधर भागेगी जहां भी लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जहां पर मोर नंबर ऑफ मोल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे सिंपल लो N2+3H2 गिव्स यू 2NH3। आई होप यहां पर दिख रहा होगा, मेरा फोटो नहीं आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए इस तरफ क्या है, 4 मोल, इधर क्या है, 2 मोल, राइट। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, डैट मींस मैं रिएक्टेंट साइड को इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक। तो रिएक्शन किधर भागेगी, मैंने लिखा लेस नंबर ऑफ मोल, तो किधर है, फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस केस, इस केस के लिए फॉरवर्ड भाग रही है, लेस नंबर ऑफ मोल्स क्या है, आगे की तरफ है। अगर मैं इधर बोलूँ प्रेशर डिक्रीज कर रही हूँ तो उधर भागेगी जिधर ज्यादा मोल्स हैं, तो ज्यादा मोल किधर है, रिएक्टेंट के साइड, तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड्स। तो ये चीज बस ध्यान देना, ठीक है। इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर जहां कम मोल्स है, और डिक्रीज करेंगे उधर भागेगी जहां ज्यादा मोल है, ठीक। नेक्स्ट चीज बात करते हैं टेम्परेचर का, हमारा बिल्कुल टाइम पे सारी चीजें ओवर हो जाएंगी, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि क्या होता है, जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, तो एंडोथर्मिक वाला साइड जो भी होगा वो बढ़ेगा जब तुम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है। और अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, या वो फेवरेबल तब होगा जब वो लो टेम्परेचर पे होगा, और ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल है। अगेन विद द एग्जाम्पल N2+H2 गिव्स यू 2NH3, ठीक है बेटू, मेरा बच्चा लोग सो तो नहीं गया। इधर देखो, अमोनिया प्रिपरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अमोनिया को जब बनाते हैं, जब N2H2 रिएक्ट करते हैं और अमोनिया दे रहे होते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। और अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को मुझे तोड़ना है वापस N2NH2 में, तो मेरे को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक। अब भाई सीधी सी बात, तुम ज्यादा गर्मी है तो तुम ज्यादा एक्टिव रहोगे क्या, तुम्हें तो वैसे ही तुम्हें गर्मी लग रही है और मैं रूम का टेम्परेचर बढ़ाती चली जाऊँ, तो यू विल नॉट बी कम्फर्टेबल, राइट। तुम ज्यादा एक्टिविटी कब अच्छी शो करोगे, जब लो टेम्परेचर होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को मेरे को अगर प्रेफर करना है, अगर मुझे ज्यादा अमोनिया बनाना है, तो मैं लो टेम्परेचर रखूं। लेकिन अगर मुझे अमोनिया का ज्यादा डिसोशिएशन करना है, बैकवर्ड रिएक्शन करना है, तो मैं क्या करूं, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर रखूं, ठीक है।
इसीलिए तुम लिखते हो जब पी ब्लॉक पढ़ते हो, हेबर्स प्रोसेस में लिखते हो, अमोनिया प्रिपरेशन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे अच्छा होता है। लो टेम्परेचर क्यों? जब लो टेम्परेचर रखोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी। हाई प्रेशर रखोगे, हाई प्रेशर मतलब क्योंकि 4 मोल है इधर और लो 2 मोल इधर है, तो क्या होगा? हाई प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किधर भागेगा? लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। और लास्ट चीज जो कैटलिस्ट का इम्पैक्ट करते हैं, 1 मिनट तुम्हारा लगेगा, कैटलिस्ट का इम्पैक्ट तुम्हें मैंने बता दिया। कैटलिस्ट क्या होता है? सिर्फ रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर। सो आर यू एबल टू सी मी गाइस? एक्चुअली मे बी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एरर हो गया था। ठीक है, तो सिंपल सा जो आपकी कैटलिस्ट की बात की है, कैटलिस्ट में क्या होता है बेटा? सिंपल सा, अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ को रेट को क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है, राइट? कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बाकी वो इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम में नो शिफ्ट, वो जैसा रिएक्शन था वैसे ही रहेगा। ठीक है, आई नो बेटा। तो बेसिकली आपका ये क्या हो गया? मेन चीज हो गई। ठीक, तो अब आपको आई होप पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? रिवाइज हो गया। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम पूरी की पूरी रिवाइज हो गई है। हमने सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें कर ली है ना, कुछ भी नहीं बचा जो हमने छोड़ा है। हमने बात कर ली केसी केपी के बारे में, बात कर ली, ठीक है, केसी केपी के रिलेशन के बारे में बात कर ली, इक्विलिब्रियम कैसे दिया जाता है वो बात कर लिया। ठीक है, उसके बाद केसी केपी के 3 काइंड ऑफ होते हैं, केसी केपी की क्या वैल्यूज हो सकती है, रेंज हो सकता है, क्यूसी के बारे में बात कर ली, एंड ली चेकलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में बात कर ली। ठीक है, बेसिकली हमने क्या कर लिया? सबके बारे में बात कर लिया है। तो अब बेटा आपको क्या करना है? सिर्फ इसको वापस से रिवाइज करने का। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेशन विल कंप्लीट दी आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के डेफिनेटली क्वेश्चन करवाऊंगी। आप लोग ये चैनल है मेरे को ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी अपडेट होगा तो उसके बारे में मैं आपको तुरंत वहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, एंड दूसरा चीज़ क्या बेटा, कि आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर दो, ताकि वहाँ की क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम के अभी मैं क्लासेस का क्वेश्चन मतलब शेड्यूल कर दूंगी। ठीक है, कि ताकि केमिकल इक्विलिब्रियम आज हमने रिवाइज किया तो उसके क्वेश्चन तो अब सॉलिडिफाई हो जाए, हमारे बिल्कुल सेट हो जाए दिमाग में। ठीक है, तो नाइस मीटिंग यू ऑल, आई रियली एंजॉयड माई लेक्चर विद यू ऑल। सो मिलते हैं आगे फ्यूचर में। ठीक है, जो भी क्लास का होगा इस चैनल पे ज्वाइन कर दो, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जल्दी से पढ़ाई करना चालू करो। ठीक है, अब तो आने लग गया होगा तेरा क्लास, अब तो क्लास खत्म भी हो रही है। ठीक है, अब तो क्लास खत्म हो रही है। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू ऑल सून।